नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 100 ग्राम स्मैक बरामद कर नशा तस्करी में प्रयुक्त वरना गाड़ी को भी सीज किया। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम के कुशल नेतृत्व में 7 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर थाना नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर अभियुक्त विक्रम पुत्र रुलियाराम निवासी गांधीनगर कुरुक्षेत्र थाना कृष्णा गेट जनपद कुरुक्षेत्र हरियाणा को 100 ग्राम अवैध स्मैक व तस्करी में प्रयुक्त वरना गाड़ी सहित गांव आसरा खेड़ी मोड़ से गिरफ्तार किया गया। मौके से फरार अभियुक्त विक्रम के साथी के बारे में जानकारी कर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त विक्रम ने पूछने पर बताया कि मैं और मेरा साथी सारिक उर्फ सीटू पुत्र साजिद निवासी गांव घाटमपुर थाना नकुट जनपद सहारनपुर जो मौके से भाग गया है, हम दोनों मिलकर स्मैक बेचने का कारोबार करते हैं। आज हम दोनों अपनी वरना कार से स्मैक को बेचने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति को देने जा रहे थे। जिस व्यक्ति को स्मैक देनी थी उसके बारे में मेरे साथी सारिक को जानकारी है। विक्रम ने बताया कि उसके पिता रुलियाराम भी नशीले पदार्थ की तस्करी करते हैं जो वर्तमान में जिला कारागार कुरुक्षेत्र हरियाणा में बंद हैं। आज थाना नकुट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें कि मुखबिर द्वारा इंटेलिजेंस हमें मिल रही थी, सूचना मिल रही थी कि एक जो वरना कार है उससे कुछ अवैध मादक पदार्थ का कुछ लोग तस्करी करके हरियाणा की ओर ले जा रहे हैं। इसको जब सूचना पर इस पे काम किया गया और गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया और वहां पर उसे रोकने का प्रयास किया गया, चेकिंग की गई, तो अभियुक्त है जिसका नाम विक्रम पुत्र रुलियाराम है, उसे मौके से गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 100 ग्राम स्मैक मिली है और पुलिस की गाड़ी आता देख एक अभियुक्त गाड़ी से कूद कर फरार हो गया है। फरार अभियुक्त के बारे में जानकारी करने पर जब गिरफ्तार अभियुक्त से पूछा गया तो उसने बताया कि उसका नाम सारिक है और सीटू जो घाटमपुर का रहने वाला है। ये दोनों आपस में मिलकर जो है हरियाणा राज्य में अवैध स्मैक बेचने जा रहे थे और जिसकी लगभग 100 ग्राम स्मैक था जिसकी अनुमानित कीमत जो है 2 से 2.5 लाख के बीच में है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है इस पर ये रहने वाला बेसिकली कुरुक्षेत्र हरियाणा का ही है और इसके पास इसके इसके ऊपर 9 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, सभी ऑलमोस्ट एनडीपीएस के हैं और इसके जो पिता है रुलियाराम वो भी अभी एनडीपीएस के केस में ही निरुद्ध हैं कुरुक्षेत्र में और इनके खानदान के बाकी लोग भी इसी नशा तस्करी के कार्य में संलिप्त हैं। ये पेशेवर जो है नशा तस्कर हैं सभी और सारिक के बारे में और जानकारी की जा रही है और आज गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कहां से लेकर आता है जी, उसके बारे में उसने बताया था कि ये घाटमपुर निवासी जो सारिक है उसने अपने पास से किसी नोन के थ्रू उससे मंगाया था। जब सारिक को गिरफ्तार किया जाएगा उससे अग्रिम पूछताछ की जाएगी कि उसने माल कहां पर लिया है और उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।